देश को सुधारने वाली शक्तियों का अवतार हो गया है और आगे वो आपके सामने आएंगी और परिवर्तन कर देंगे। इसलिए अपने बचाव का रास्ता आपको अभी से निकाल लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इन माताओं के गर्भ से कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया है जो आपको सीधा करेंगे। उनका संकेत आपको हर प्रांतों में मिलेगा। उन बच्चों में कुदरती दैवी शक्ति अभी मौजूद है और वक्त आने पर प्रकट हो जाएगी। उन शक्तियों का पूरा समाज एक पूरी नाटक शाला उतरी हुई है जो यहाँ काम करेगी। समय की प्रतीक्षा उनको भी है और समय की प्रतीक्षा मुझको भी है। इसलिए होश में आ जाइए, इधर आकर पहले से अपने को संभाल लो ताकि उन शक्तियों से टकराव ना हो जाए। परिवर्तन के लिए महान आत्माओं का एक जत्था पैदा हो गया है। वह योगी, तपस्वी, त्यागी, पवित्र आत्माएं हैं। काम तो वह जरूर करेंगे जब आ गए हैं। पहले सबको बता देना है। पहले तो ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने पहले ही बता दिया था, सबको आवाज़ लगा दी थी। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को निकाल लिया था, ऐसे ही मैं भी उन वीरों को निकाल लूँगा। एक आवाज़ उठेगी कि तुम किधर छिपे हो। बंसी बिगुल बजते ही कुदरती जागृति उनमें आ जाएगी। फिर वह एक बार की होश में आ जाएंगे। अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है, उनका एक ही काम है बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना। उन्हें वक्त के संत सतगुरु के आदेश का इंतजार है। आदेश मिलने पर वो अपना काम शुरू कर देंगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। अवतारी शक्तियाँ राम के लोक की, कृष्ण के लोक की, स्वर्ग वैकुंठ लोक की यहाँ तैयार खड़ी हैं। उनका काम है अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। ये शक्तियाँ पृथ्वी पर अवतरित सत्य पुरुष के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि बिना उनकी मौज के वह कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस दिन आदेश होगा अवतारी शक्तियाँ परिवर्तन कर देंगी, फिर कलयुग विदा होगा और सतयुग आ जाएगा। जो अवतारी शक्तियाँ आ चुकी हैं वो पूर्ण शाकाहारी हैं और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वो महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वह बच्चे क्या काम करेंगे या वक्त बताएगा। भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। जब आप ईश्वर के बनाए नियम को नहीं मानते हो, नियमों के प्रतिकूल काम करते हो, तब काल निरंजन भगवान अपने देश में छटनी करा देते हैं। वो किसी ना किसी सूरत आत्मा को, शक्ति को पृथ्वी पर भेजकर ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, मार काट करवा देते हैं, कुदरती आपदाएं आने लगती हैं, फिर छटनी हो जाती है और जो लोग बचते हैं वो धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। जो शक्तियाँ सुधार के लिए धरती पर भेजी जाती हैं वो आते ही गुनाहों का दंड देना शुरू नहीं कर देती हैं। पहले वो अपना संदेश सुनाती हैं, खुदा का पैगाम सुनाती हैं, आपको हर तरह से समझाती हैं। मान गए तो ठीक और नहीं माने तो फिर वो महाभारत करा दें, लंका जला दें और कुछ भी करें। महाभारत 5000 वर्ष का ही तो है। इसमें विश्व के सभी योद्धा युद्ध करने आए थे और उनका सफाया हो गया। इतना ही नहीं, जो बच्चे खुचे 56 करोड़ यदुवंशी थे उनका भी सर्वनाश हो गया। इसके पहले कृष्ण भगवान ने सभी को समझाया और उनके समझाने पर जब राजा प्रजा किसी ने नहीं माना तो उन्होंने सबका नाश करा दिया। शक्तियाँ तो जिसका निरंजन का राज्य है उसी का हुक्म बजाती हैं। जब जब आबादी बढ़ती है तब तब ये शक्तियाँ समझा बुझा कर सही रास्ते पर ले आती हैं और अगर नहीं मानते हैं तो उनका संहार कर देती हैं। लेकिन संत महात्मा बार बार समझाते हैं, बचाते हैं। इस वक्त आबादी बहुत बढ़ गई है, यदि संत नहीं होते तो अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। संतों की वजह से ये कुछ नहीं हो पा रहा है। आपको यह नहीं मालूम, बात नहीं मानोगे तो कोई ना कोई घटना होगी। समय बहुत ख़राब है, तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते हो कि क्या हो जाएगा। परमात्मा ने आध्यात्मिक शक्तियों को इस भूमंडल पर भेज दिया है और वह कृष्ण की तरह, राम की तरह अधर्मियों का खात्मा कर देंगी। इसलिए तुम अभी से संभल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब राम और कृष्ण को तीर, धनुष या चक्र सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके क्रिया कर्म की तलवार ही सफाया कर देगी। फिर परिवर्तन हो जाएगा। बाबा जी सबको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो बातों को मानेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, जो नहीं मानेंगे
उनके लिए उन्हीं के कर्मों की तलवार उनके सिर पर लटक रही है, कोई क्या कर सकता है। वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि किसी का दिल दिमाग काबू में नहीं है। ऐसे समय में योगी योगेश्वर ऋषि मुनि देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। अब तो संतों की जरूरत है, वहीं जीवों की रक्षा कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं।